तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रैग और लेके आ चुका हूं मैं आपके लिए एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो। और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं हार्डन डायमंड आर्मर, जिसको हम करने की कोशिश करेंगे फुल मैक्स एन्चांट। तो शुरू करते हैं। आप रखित नहीं करोगे, मैंने अभी खूब सारे डायमंड इकट्ठे कर रखे हैं, ये देख सकते हो आप 64 स्टैग का स्टैग और 2 एन्चांटेड डायमंड ब्लॉक भी, जिसको लेने जिसको जिसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। मैं थोड़ा सा अपना कबाड़ फेंक देता हूँ इसमें। अब हम बनाते हैं अपना एन्चांटेड वो हार्डन डायमंड चेस्ट प्लेट, बन गई। अब हेलमेट, लेगीज और ये बूट्स, इसको पहन के देख लेते हैं। ओ भाई क्या लग रही है, ओ भाई क्या लग रही है, देख लो भाई क्या लग रहा है। हार्डन डायमंड आर्मर, अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या एन्चांटमेंट लगा सकते हैं। इसमें लगाते हैं हम, पहले तो हम लगाएंगे ग्रोथ, इसके लिए थोड़ी सी लेवल कम रहेगी। प्रोटेक्शन, मेरे को लगता है पहले अपने लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस का काम करते हैं। मैंने कहीं पे तो रखी थी, तो एक स्प्रे बोतल, ये देख लो डायमंड का काम, तो हम एन्चेंटेड डायमंड का काम हो चुका है हमारे। और अभी भी डायमंड्स खूब सारे बच्चे हैं हमारे पास। मैंने बॉटले का मेरे को पहले तो आइटम स्वॉर्ट करके रखने पड़ेंगे। ये रही बॉटल है, सबसे पहले थोड़ा सा एन्चांटेड लैपिस लाजुली बनाया जाए। हो गया ख़त्म, इस बंदे से और लेते हैं। मेरे को लगता है मैं लेवल कम पड़ जाएंगे। साथ ही बने, कोई नहीं। एटी सिक्स लेवल, अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग से एन्चांट करके रख लेता हूँ। मैंने कहा
प्रोटेक्शन 3 और समय प्रोटेक्शन 3 डाल के रखते हैं। क्योंकि मेरे को पता है मेरे को अभी भी खूब सारा और एक्सपी लगेगा इसको करने के लिए। और मेरे पास एक्सपी की अभी सबसे ज़्यादा कमी है। इसको फुल मैक्स इंचांट हम बाद में करेंगे, अभी के तो लिए हम इसको जितना इंचांट हो चुका है उतना ही करेंगे। अब बाकी आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैंने अपने आइलैंड पर कुछ अलग काम भी किया है जो आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लग सकता है, पर है थोड़ा सा आपको भी लगेगा। देख सकते हो मैंने अभी यहाँ पर एक मेलन मिनियन लगा दिया है लास्ट टाइम के मुकाबले। यहाँ पे मैंने ये लगा एक और कोबलस्टोन का मिनियन लगा दिया है क्योंकि हमें कोबलस्टोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। सबसे ज़्यादा मॉब्स यहाँ पे स्पॉन होते हैं। ये मुर्गा पहले चल रहा है, नीचे आओगे तब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बना रखा है एक पम्पकिन फार्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको पम्पकिन ही देगा फार्मिंग एक्सपीरियंस। ये क्रीपर गया, यहाँ पे मॉब सबसे ज़्यादा स्पॉन होंगे मेरे लिए, पर यहाँ पे मैंने अभी तक पूरा बनाया नहीं है आप देख सकते हो। ओ भाई आप ये देख सकते हो सबसे रेयर चीज़ यहाँ पर, एक ज़ॉम्बी विलेजर। हाँ लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर का करेंगे क्या हम, इसका हार्डेंट डायमंड आर्मर की सिर्फ एक की स्पेशलिटी है कि आपको डिफेंस बहुत ज़्यादा देगा, पर इसमें आपको एक दिक्कत रहेगी कि यह आपको बहुत कम एचपी देता है। आप देख सकते हैं मेरी 154 की एचपी है, प्रोटेक्शन लगाने के बाद, जिसमें अभी ये इंचांटेड भी है। ग्रैपलिंग को उतार लेते हैं, आप देख सकते हैं डिफेंस मेरा भले ही आधा हो गया लेकिन मेरी एचपी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसमें अभी मेरे पास सिर्फ चेस्ट प्लेट नहीं है अभी इसमें, और चेस्ट प्लेट के लिए मैं इंतजाम कर रहा हूँ। मेरे पास आप देख सकते हैं अभी भी मेरे को यही कोई 11 या 12 के आसपास और चाहिएगा। देखते हैं हमारे पास कितना आयरन है,
पांच और आ गया है, मतलब अभी भी हमें थोड़ा सा और चाहिएगा। हमें टोटल 80 चाहिएगा गोलम चेस्ट प्लेट बनाने के लिए, और हमारे पास है 64 + 9 = 73। हमें 7 एन्चांटेड आयरन इंगट और चाहिए सिर्फ चेस्ट प्लेट बनाने के लिए। अभी मैं टेम्प्ररी ये वाली लगा लेता हूँ, देख सकते हैं उतना का उतना ही डिफेंस है मेरा, अभी भी उतना का उतना ही है मेरा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा डिफेंस। और ये मेरी सबसे बेस्ट वेपन में से एक, सेकंड बेस्ट है अभी तो, क्योंकि मेरे पास अभी गोलम स्वॉर्ड है। ये है एपिक लेवर्स, बेस्ट एन्चांट कर रखा मैंने इसको, और इसका नॉर्मल डैमेज हो गया है अभी 200 के ऊपर। और मेरे पास है ये गोलम स्वॉर्ड जिसका नॉर्मल डैमेज अभी है 477, जो कि इसके मुकाबले दुगना है, और अभी तो ये फुल एन्चांट भी नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इन्वेंटरी में जाके दिखाऊं तो ये रेनफोर्स्ड है, जिसमें इसके अंदर टेलीकनेसिस शार्पनेस 5, शेवनेस 3 और थंडर लॉर्ड 4 है, और अभी भी इसमें बहुत सारी और एन्चांटमेंट बाकी है जो कि लगानी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी माइनिंग वाले लगा रखे हैं सब, हाँ राइट क्लिक से भी हो जाएगा, सबको मैंने जितना हो सके उतना कर रखा है। आपको दिखाता हूँ मेरे इस गोलम स्वॉर्ड का नॉर्मल डैमेज, ये है क्रिटिकल डैमेज जो कि है 1100 के ऊपर है, और इसके अलावा इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है, अगर आप इसको ग्राउंड कहीं पे भी हवा में भी रखोगे तो भी ये आपको आपके आसपास 500 के ऊपर का मिली डैमेज देगा, जो कि आसपास के कई सारे मॉब्स को एक साथ मारने का काम करेगा। और इसका भी हो गया, इन्वेंटरी फुल हो गई है। पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब क्योंकि मेरा कॉपर स्टोन कलेक्शन पूरा मैक्स हो चुका है, और अब हमें चाहिए बस सुपर कॉम्पैक्टर बनाना है। तो मेरे को लगता है अभी मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पंपकिन फार्म को भी पूरा बनाना है, जो कि मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ, पर मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो गई है, और मैं अभी भी कई सारे वेपन्स वगैरह आर्मर वगैरह सब अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है। मैंने यहाँ पे एक ये मशरूम मिनियन भी लगा दिया है, यहाँ पे अभी मैंने एमरल्ड मिनियन लगा रखा है, क्योंकि अभी मैं ऐसे जो माइनिंग कलेक्शन है उसको आगे लेके जा रहा हूँ। इससे क्रिटिकल ही लगा, मैं नॉर्मल दिखाना चाहता था इसका डैमेज कितना है, पर लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर मैं आपको
तो फिर मेरे ख्याल से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको नया और अच्छा चीज़ दिखाएंगे। जाने से पहले एक काम करते हैं, इसका एक और मार लेते हैं। ये देखो 474 का डैमेज ये नॉर्मली करता है। जैसे अभी ये फुल एन्चांटेड नहीं है, फुल एन्चांट करने के बाद ये और अच्छा करेगा। तो अगली वीडियो में हम अपने गोलम स्वॉर्ड को फुल एन्चांट करेंगे। और अपने आर्मर को भी मैक्स एन्चांट करेंगे। तो तब तक के लिए